दोस्तों 1948 में जब श्रीलंका को ब्रिटिशर से आजादी मिली थी, तब उस देश को लेकर दुनिया भर की कंट्रीज में बेहतर भविष्य की उम्मीदें की गई थी। श्रीलंका के पास अपनी आजादी के समय रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे जो दूसरी एशियन कंट्रीज के पास मौजूद नहीं थे। इंडियन ओशन में स्ट्रेटजिकली लोकेटेड होना, ओपन इकोनॉमी, वाइब्रेंट एक्सपोर्ट सेक्टर, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, अब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, रिलेटिव वेल डेवलप्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और न जाने ऐसे कई बेनिफिट्स के साथ श्रीलंका आने वाले समय में खुद को एक कामयाब देश बनाने की काबिलियत रखता था। श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी कोलंबो अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट से ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्प्रेड शिपिंग लेन्स में एक मेजर पोर्ट हुआ करता था। यदि इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो अपनी आज़ादी के समय श्रीलंका एशिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज में से एक था। एक ऐसा देश जिसकी पर कैपिटा इनकम और दूसरे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स न केवल साउथ एशियन नेबर से बेहतर बल्कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया और थाईलैंड से भी बेटर माने जाते थे। इसके अलावा स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ब्रिटिशर से स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर ने उस देश में किसी तरह की क्राइसिस जनरेट नहीं होने दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां एक ओर उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन जैसे टर्मोइल से जूझ रहा था, तब श्रीलंका स्टेबिलिटी, पीस और ऑर्डर की शांत झील की तरह दुनिया के सामने नई मिसालें कायम कर रहा था। श्रीलंका में मौजूद डिस्टिंक्ट और कल्चरली सेपरेटेड एथनिक ग्रुप्स, सिन्हालीज और तमिल्स के पॉलिटिकल लीडर्स भी वेल एजुकेटेड हुआ करते थे, जिन्हें स्पेशल क्लास ऑफ वेस्टर्नाइज सिलोनीज के तौर पे जाना जाता था। इन सारे एलिमेंट्स ने उस समय ऐसे कंडीशन जनरेट किए थे जिससे दुनिया भर की कंट्रीज को उम्मीद थी कि श्रीलंका आने वाले समय में एशिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बनकर उभरेगा। लेकिन दोस्तों, आज श्रीलंका आज़ादी के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वो देश जिसके पोटेंशियल को देख उसे एशिया की बेस्ट बेट माना जाता था, आज अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी जूझता नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा अपर मिडिल इनकम ग्रुप में प्लेस की गई ये कंट्री आज अपने सर्वाइवल के लिए इंडिया और अन्य देशों से लोन्स और दूसरे रिसोर्सेज की मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है। आज श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी सीवियर है कि वहां की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। पेट्रोलियम और दूसरे नेसेसरी इम्पोर्ट्स के लिए सरकार के पास फॉरेक्स नहीं बचे हैं। गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके हैं और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। दोस्तों, श्रीलंका के इकोनॉमिक डाउनफॉल की ये कहानी साल दो साल या दस साल में नहीं लिखी गई, बल्कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक उस देश के पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसी अनेक गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज उस देश की जनता को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम आपको श्रीलंका के पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के उसी सफर पर ले जाएंगे जहां हम देखेंगे कि इन गलत रास्तों पर चलने से श्रीलंका आज एक क्राइसिस फेस कर रहा है। आज का ये वीडियो न केवल हमें श्रीलंका के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के पीछे का कारण बताएगा, बल्कि इस डिस्कशन से हम अपने देश की इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज को भी एनालाइज करना सीख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंकन इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म स्लो ग्रोथ के पीछे एक्सपर्ट्स उस देश की पॉलिसी और पॉलिटिकल स्विंग्स को जिम्मेदार मानते हैं। 1948 में ब्रिटिशर से आजादी मिलने के बाद आने वाले दशकों में श्रीलंका ने कई ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस देखे जिसने उस देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सीवियरली अफेक्ट किया। इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में कंडक्ट हुए रेगुलर इलेक्शंस के दौरान देश की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी कि यूएनपी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी यानी कि एसएलएफपी के बीच पावर शिफ्ट होता रहा। यदि यूएनपी के बारे में आपको बताएं तो 1946 में एस्टैब्लिश ये एक सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी लेसेज फेयर हुआ करती थी, यानी ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें इकोनॉमिक अफेयर्स में गवर्नमेंट का लेस इंटरफेरेंस होता है। लेकिन सेंटर राइट होने के बावजूद इस पार्टी ने अपने गवर्नेंस मॉडल में सोशल डेमोक्रेसी या वेलफेयर के अनेक एलिमेंट्स को ऐड किया, जिसका श्रीलंकन इकोनॉमी पे पड़ने वाला इम्पैक्ट हम अगले सेक्शन में देखेंगे। वहीं यदि एसएलएफपी की बात की जाए तो 1953 में इमर्ज्ड ये एक सेंटर लेफ्ट पार्टी थी जिसने यूएनपी के मेन अल्टरनेटिव की तरह श्रीलंकन पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई।
SLFP के सोशल डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन के अलावा इस पार्टी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थिंकिंग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड रही, जिसके तहत देश के इकोनॉमिक अफेयर्स में गवर्नमेंट का मेजर इंटरफेरेंस बना रहा। दोस्तों, इन पार्टीज का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एक प्रमुख कारण रहा है जो गवर्नमेंट्स को शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा UNP और SLFP के आइडियोलॉजिकल डिस्पेरेंसीज ने डेवलपमेंटल पॉलिसीज में पैरेलल शिफ्ट क्रिएट करते हुए श्रीलंकन इकोनॉमी को फर्दर इफेक्ट किया। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में 1947 में कंडक्ट हुए पहले जनरल इलेक्शंस में अपनी जीत दर्ज करने के बाद UNP 1956 तक पावर में रही। UNP रजीम के दौरान 1947 से 1956 तक श्रीलंका ने ओपन मार्केट इकोनॉमी की पॉलिसी को फॉलो किया, लेकिन UNP रूल के अंडर गवर्नमेंट पे कई ऐसे इल्जाम लगे जहां क्रिटिक्स का मानना था कि करंट गवर्नमेंट कॉलोनियल एरा की इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट ने कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई रेडिकल चेंज एनविसेज ना करते हुए एक्सपोर्ट क्रॉप्स पे डिपेंडेंस बनाए रखा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के रोल को टोटली इग्नोर करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट प्रोवाइड नहीं किया। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यह सबसे प्रमुख कारण था कि जब 1956 में UNP को गवर्नमेंट से हटाया गया, तब भी श्रीलंका की पर कैपिटा GNP लगभग उतनी ही थी जितनी एक दशक पहले यानी कि 1948 में हुआ करती थी। 1956 के जनरल इलेक्शन के बाद अगले 20 सालों तक श्रीलंका में चार गठबंधन सरकारें बनी, जिसे या तो SLFP या UNP ने लीड किया। लेकिन इन 20 सालों में गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद श्रीलंकन इकोनॉमी एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रजीम बनी रही, जहां गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स पे अपना कंट्रोल बनाए रखा। 1965 में UNP गवर्नमेंट ने इलेक्ट होने के बाद इकोनॉमिस्ट को उम्मीद थी कि ये सेंटर राइट पार्टी मे बी इस पॉलिसी में कोई चेंज लाए, लेकिन एक पार्शियल लिबरलाइजेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करने के अलावा UNP ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को बनाए रखा। आने वाले साल श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए मुश्किलें और बढ़ाने वाले थे। 1970 से 1977 के बीच SLFP और लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पार्टीज के कोएलिशन गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी में स्टेट इंटरवेंशन को इंटेंसिफाई किया। 1970 के बजट स्पीच के दौरान ही गवर्नमेंट ने अपने कमिटमेंट को क्लियर करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका उद्देश्य एक सोशलिस्ट सोसाइटी अचीव करना है, और इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण श्रीलंका में जनरेट हुए इकोनॉमिक हार्डशिप ने 1977 के जनरल इलेक्शंस में अपना इम्पैक्ट दिखाया। दोस्तों, हम अपना डिस्कशन 1977 से आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए हम इन रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का श्रीलंकन इकोनॉमी पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। इस इम्पैक्ट में सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि इनिशियल स्टेजेस में श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने की जगह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस टैकल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया था। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की पॉलिसी को कुछ हद तक फॉलो किया था, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का प्राइमरी एम देश की इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाते हुए डेवलप करना था। यही कारण है कि 5-year plans के क्रिटिसिज्म के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने पहले और दूसरे 5-year plans के दौरान IITs और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस को इंडिया में मजबूत बनाने की अनेक कोशिशें की। इसके अलावा आने वाले प्लान्स का मेन मोटिव इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना था, जिससे हमारे देश को फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन इन इनिशिएटिव्स के अगेंस्ट श्रीलंका ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जगह केवल फॉरेन पेमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने पे फोकस किया। यही कारण है कि रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स के बावजूद श्रीलंका में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई, और श्रीलंका क्रिटिकल कमोडिटीज के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट बना रहा। इसके अलावा जब 1970s में इन रिस्ट्रिक्शंस को देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने के लिए फर्दर इंक्रीज किया गया, तब भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रिसोर्स एलोकेशन ऐसे इंडस्ट्रीज में की जो कैपिटल इंटेंसिव होने के अलावा इनएफिशिएंट प्रोडक्शन लाइन से जूझ रही थी। इस स्ट्रेटजी ने न केवल देश में हाई डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पुश किया, बल्कि इन इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नेग्लिजिबल रोल प्ले किया। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड रजीम के कारण देश में प्राइवेट सेक्टर हर गुजरते साल के साथ श्रिंक होता चला गया। स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट और बिगड़ते हुए फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को फर्दर रिस्ट्रिक्ट किया। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड और बैंकिंग जैसे की सेक्टर्स की जगह गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर ने ले ली, जिसे इनएफिशिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स रन किया करते थे। और इस स्ट्रेटजी के कारण स्टेट एंटरप्राइजेस में अकर होने वाले लॉसेस को भी गवर्नमेंट द्वारा बियर आउट करना पड़ा।
इन सारे फेल्ड इनिशिएटिव का इम्पैक्ट ये रहा कि श्रीलंकन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ फेस कर रही थी। 1971 से 1977 के बीच श्रीलंकन इकोनॉमी की एवरेज ग्रोथ केवल 2.9% रही। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स और पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन बना रहा। इन्हीं कारणों से श्रीलंका अपने इनिशियल एडवांटेजियस पोजीशन को अपना ग्रोथ मोमेंटम बनाने में नाकामयाब रहा। खैर, इस क्राइसिस के बीच जब 1977 में यूएनपी लेड गवर्नमेंट सत्ता में आई तो उन्होंने लिबरलाइज और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड के लिए कई रेडिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। इन रिफॉर्म्स के तहत इम्पोर्ट ट्रेड से हाई टैरिफ्स और कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज, एफडीआईज और एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल को रिड्यूस किया। इन सारे इनिशिएटिव्स ने श्रीलंकन इकोनॉमी को 1977 के पहले के पीरियड के कंपेयर्ड एक रैपिड ग्रोथ प्रोवाइड की और आने वाले सालों में श्रीलंका ने अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन के साथ 5% की एवरेज ग्रोथ विटनेस की। इन रिफॉर्म्स के बाद दुनिया भर के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट्स का यह अनुमान था कि शायद अब श्रीलंका डेवलपमेंट के उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा जो उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज कर देश की नीड्स फुलफिल कर सकेगा। लेकिन इन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज के बीच श्रीलंका में 1980s में शुरू हुए सिविल वॉर ने देश की कहानी को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों, अब तक हमने श्रीलंका में पॉलिसी फेलियर्स के कारण इकोनॉमी पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को देखा, लेकिन उस देश ने कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखे जो पॉलिसी फेलियर के कारण नहीं बल्कि पॉलिसीज के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के कारण जनरेट हुए। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जिन्होंने उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने की जगह फर्दर डिटोरेट किया। आइए जानते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, श्रीलंका के डेवलपमेंट प्रोसेस में सोशल वेलफेयर हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बना रहा। 1940s के बाद से ही यूएनपी जैसे सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज ने लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज करने के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स का सहारा लिया। इकोनॉमी की इनिशियल एडवांटेजियस पोजीशन की मदद लेते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड लिया और मान लिया कि एडवांटेजेस हमेशा बने रहेंगे। गवर्नमेंट की इसी सोच के कारण श्रीलंका में हमें सोशल वेलफेयर सिस्टम का ह्यूज एक्सपेंशन देखने को मिला। इन इनिशिएटिव्स का रिजल्ट ये हुआ कि थर्ड वर्ल्ड की कई डेवलपिंग और इवन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज के अगेंस्ट श्रीलंका के हर बदलते हुए गवर्नमेंट ने अनेक स्कीम्स लॉन्च की जिसने उसे एक एक्सेप्शनल टाइप ऑफ वेलफेयर स्टेट बनाया। देश के मेजर वेलफेयर प्रोग्राम्स में फ्री हेल्थ केयर, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री एजुकेशन, फ्री मिड डे मील्स, फ्री यूनिफॉर्म्स और फ्री टेक्स्ट बुक्स ऑफर किए गए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने देश भर में राइस में सब्सिडी दी जिसे कभी कभी फ्री प्रोवाइड किया जाता था। साथ ही दूसरे कई कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पूरे देश के पॉपुलेशन को अनेक सब्सिडीज प्रोवाइड की। यदि इन सर्विसेज को इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो 1950s और 1960s के दौरान वेलफेयर सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 25% से ज़्यादा स्पेंड करना ज़रूरी समझा और आने वाले सालों में ये रेशियो इससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इस एक्सटेंसिव वेलफेयर सिस्टम में देश की पॉपुलेशन को रैपिडली बढ़ाने का काम किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स के एब्सेंस में श्रीलंका की डेथ रेट का फॉल होना एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लेकर आया। केवल 1950 से 1980 के बीच यानी कि 30 सालों में श्रीलंका की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई। इस ग्रोथ में भी पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा यंगर जनरेशन की ग्रोथ नोटिस की गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1950s से 1970s के बीच श्रीलंका की हाफ पॉपुलेशन 20 ईयर से कम एज ग्रुप की थी और 1/4 पॉपुलेशन 10 ईयर से कम एज ग्रुप की। इस पॉपुलेशन एक्सपेंशन ने श्रीलंकन इकोनॉमी पे फर्दर प्रेशर क्रिएट किया और सेम प्रेशर वेलफेयर स्कीम्स पे भी दिखने लगा। दोस्तों, अब श्रीलंका उस दौर से गुजर रहा था जब वेलफेयर सिस्टम पूरे देश को कवर करते हुए यंग जनरेशन की बेसिक नीड्स को केटर कर रहा था, लेकिन जहां एक ओर देश को इन बढ़ते हुए सोशल डिमांड, इकोनॉमिक रिसोर्स की नीड और अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी थी, वहीं श्रीलंकन इकोनॉमी पॉलिसी फेलियर्स के कारण कई डिकेड्स तक इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ से जूझती नजर आई। 1960s के बाद से ही ये क्लियर हो चुका था कि श्रीलंका अपने इनकम और कैपेबिलिटी से ज़्यादा वेलफेयर सर्विसेज पर स्पेंड कर रहा है। ग्रोथ मोमेंटम के एब्सेंस में श्रीलंका के वेलफेयर स्टेट की सस्टेनेबिलिटी दो फ्रंट्स के अंडर थ्रेटन होती नजर आई। वेलफेयर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज के कंटिन्यूस फ्लो की ज़रूरत थी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकोनॉमी के एक्सपेंशन से आने वाले थे। इस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा सक्सेसिवली इग्नोर किया गया। दूसरा फ्रंट था कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने श्रीलंकन गवर्नमेंट पे वेलफेयर सिस्टम के कारण समय के साथ और ज़्यादा डिमांड एग्जर्ट की।
पॉपुलेशन का वो सेगमेंट जिसने सोशल वेलफेयर के दौर में अपना बचपन गुजारा, उन्होंने आगे चलकर इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज और हायर सोशल एक्सपेक्टेशंस की डिमांड को फर्दर पुश किया। श्रीलंकन इकोनॉमी, जो एक समय पे एशिया में बेस्ट उभरती हुई इकोनॉमी मानी जाती थी, वो दूसरी एशियन इकोनॉमी से पीछे छूटती नजर आई। 1955 में श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम जहां दूसरी मेजर एशियन इकोनॉमी से ज्यादा हुआ करता था, वही 40 ईयर्स के बाद यानी कि 1995 में भी वो लगभग 1955 जितना ही बना रहा। लेकिन इन सालों के दौरान श्रीलंका के वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स कई गुना बढ़ते चले गए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंकन रेजिम्स स्पेशली 1977 से पहले के दौर में उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया। देश भर की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के कॉम्पिटिशन ने इस वेलफेयर सिस्टम को फर्दर एक्सपेंड किया, जहाँ हर सक्सेसिव गवर्नमेंट खुद को प्रीवियस गवर्नमेंट से बेटर प्रूव करने के लिए नई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती रही। एक बार जब श्रीलंका की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सिटीजन्स के अंदर वेलफेयर डिपेंडेंसी सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ओपोनेंट को अटैक करने और पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए वेलफेयर सिस्टम को वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ केवल श्रीलंकन गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं होगा। 1953 में जब श्रीलंका की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कंज्यूमर सब्सिडीज को कट करने के लिए अटेम्प्ट्स किए, तब लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बैक्ड मास वायलेंट प्रोटेस्ट ने पूरे देश की पॉलिटिक्स को सीवियरली इम्पैक्ट किया। इन प्रोटेस्ट का असर ये हुआ कि तब के श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और अपने एक्शंस वापस लेने पड़े। इसके बाद से वेलफेयर मेजर्स में किसी भी तरह के कटबैक्स के अगेंस्ट होने वाले सोशल एजिटेशन श्रीलंकन पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाते हुए दिखे, जहां आम पॉपुलेशन के वेलफेयर डिपेंडेंसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया। खैर, वेलफेयर डेमोक्रेसी के बढ़ते हुए सोशल डिमांड के अगेंस्ट गवर्नमेंट द्वारा रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज जनरेट न कर पाने के कारण न केवल श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस फर्दर सीवियर होती हुई दिखी, बल्कि कई इंडिविजुअल्स और सोशल ग्रुप्स खुद को डेवलपमेंट से एक्सक्लूड होता हुआ देखने लगे। और इस पूरे टर्मोइल के बीच जब श्रीलंका ने सिविल वॉर विटनेस किया, तो ये उस देश के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सिविल वॉर ने न केवल श्रीलंका में पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी लाने का काम किया, बल्कि इस वॉर के कारण श्रीलंका को अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कई गुना बढ़ाने पड़े। आइए इस वॉर के इकोनॉमिक इंपैक्ट को अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, 1960s में श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के बाद तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच एथनिक टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए, जहां तमिल माइनॉरिटी का इल्जाम था कि उन्हें श्रीलंकन गवर्नमेंट के अलावा सिन्हाला मेजोरिटी द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। लेट 1970s में इस बढ़ते हुए टेंशन के कारण तमिल कम्युनिटी में कई आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स देखे गए, जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन डिक्लेयर कर दिया था। इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जन्मे सिविल वॉर को आने वाले समय में एशिया के लॉन्गेस्ट वॉर के तौर पर जाना गया। LTTE, जिसे 1976 में फाउंड किया गया था, वो 1990s तक अकेला ऐसा मिलिटेंट ग्रुप बनकर उभरा जो समय श्रीलंकन गवर्नमेंट से डायरेक्टली फाइट कर रहा था। 2009 तक चले इस एथनिक वॉर के अलावा श्रीलंका में दो यूथ अपस्प्रिंग्स भी देखी जा चुकी थी। 1971 और 1987 से 1989 के बीच सिन्हालीज यूथ ने देश के सदर्न पार्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइजिंग्स लीड कर सोशल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट किए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इन कॉन्फ्लिक्ट से इकोनॉमी का क्या रिश्ता है। दोस्तों, केवल वॉर्स के कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्सेसिव रेट पे बढ़ाना पड़ा, जहां 1983 में गवर्नमेंट अपनी GDP का 1.6% मिलिट्री पे स्पेंड कर रही थी, वहीं 2008 तक यह आंकड़ा 3.5% हो चुका था। 1995 में LTTE के अगेंस्ट वॉर कंटिन्यू करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपनी GDP का 5.9% मिलिट्री पे स्पेंड करना पड़ा था। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि 1995 में गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर का केवल 20% मिलिट्री में स्पेंड करने के लिए मजबूर थी। जहां एक और 1983 से पहले आर्म्स इंपोर्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हुआ करती थी, वहीं 1984 से उन्हें हर साल इस कॉन्फ्लिक्ट को लड़ने के लिए आर्म्स इंपोर्ट करने पड़े। आप इन इंपोर्ट्स के बर्डन को इस बात से समझ सकते हैं कि सिविल वॉर के कई सालों के बाद भी केवल ईयर 2000 में श्रीलंकन गवर्नमेंट को $274 मिलियन के आर्म्स इंपोर्ट करने पड़े। ये वो दौर है जब श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपने एशियन नेबर से भी ज्यादा मिलिट्री एक्टिविटीज पे स्पेंड करना पड़ता था। इसी वॉर के कारण श्रीलंकन मिलिट्री में नंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल 1989 में 22,000 से बढ़कर 2008 में 213,000 होते हुए दिखे। कई स्टडीज के अनुसार 1983 से 1996 के बीच श्रीलंका को इस वॉर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे 1996 में अपनी GDP की कंपेयर्ड 160% से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स इंकर हुए।
दोस्तों, इन सब के अलावा वॉर के कारण जनरेट हुए टर्मोइल में श्रीलंका ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक भारी कमी देखी, जिसने उसकी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां एक ओर वॉर के इनिशियल स्टेजेस में श्रीलंकन इकोनॉमी हर साल 4% का एनुअल लॉस बियर कर रही थी, वहीं जब वॉर अपने पीक पे पहुंचा तो यह आंकड़ा फर्दर इंक्रीज होता हुआ दिखा। पहले से इकोनॉमिक स्लोडाउन झेल रहे देश में सिविल वॉर का शुरू होना श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए डेथ ब्लो से कम नहीं था। न केवल इन इश्यूज से श्रीलंका की बजट डेफिसिट बढ़ती हुई दिखी, बल्कि इनके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और हजार्डस इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी जनरेट हुए। इन इकोनॉमिक डिसरप्शंस के साथ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में हुए शार्प इंक्रीमेंट देश की फिजिकल स्टैंडिंग और ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल साबित हुए। यूं तो 1985 के बाद FDI फ्लोज और गारमेंट्स, क्रॉप्स, टी, रनर और कोकोनट एक्सपोर्ट्स ने श्रीलंकन इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी डॉलर्स प्रोवाइड किए, लेकिन इस बीच श्रीलंका इन्वेस्टमेंट की मदद से एक हाईटेक इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने में नाकामयाब रहा और कई इनिशिएटिव्स के बाद भी श्रीलंकन इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट बनी रही, जिसे फाइनेंस करने के लिए उसे हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते थे। खैर, 2009 में जब श्रीलंकन सिविल वॉर फाइनली एंड हुआ, तब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए, लेकिन ये स्टेप्स भी इस देश के अगेंस्ट बैकफायर करने वाले थे। आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, जब श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म होने की कगार पे था, तब गवर्नमेंट ने लंबे समय से रुकी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पे लाने के लिए कई स्टेप्स लिए। इन स्टेप्स में सबसे अहम रोल फॉरेन बोरोइंग ने निभाया। इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए कर्ज से गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि वो श्रीलंकन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेंगे, और ऐसा हुआ भी। श्रीलंका की इकोनॉमी ने शॉर्ट टर्म के अंडर हाई ग्रोथ फिटनेस की। देश की पर कैपिटा GDP 2006 में $1,436 से बढ़कर 2014 में $3,819 तक जा पहुंची। श्रीलंका ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में यूक्रेन, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया था। इस इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण देश की 8.5% पॉपुलेशन, या कहें 16 लाख सिटीजन, पॉवर्टी से बाहर निकाले गए। इस सक्सेस ने न केवल श्रीलंका में एक लार्ज मिडिल क्लास के राइज को सपोर्ट किया, बल्कि 2019 तक ये देश वर्ल्ड बैंक के अनुसार अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में शामिल हो चुका था। लेकिन श्रीलंका का ये डेजिग्नेशन केवल एक साल तक ही बरकरार रहा। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका ने जितने कर्ज लिए थे, अब वो सपोर्ट की जगह बर्डन साबित होने लगे थे। 2006 से 2012 के बीच श्रीलंका का केवल एक्सटर्नल डेट 3 गुना बढ़ चुका था। इन आंकड़ों से समझा जाए तो GDP का 119%। लेकिन इस बार ये चूक हुई कहां, जहां श्रीलंका बढ़ती हुई इकोनॉमी से आज इस कगार पे पहुंच गई। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहली गलती तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तब की थी जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों से लिए गए लोन्स पे निर्भर करने का फैसला लिया था। 2016 में श्रीलंका के ऊपर $46 बिलियन का डेट था। आज ये आंकड़ा बढ़ते हुए $81 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो श्रीलंकन GDP से भी ज्यादा बड़ा है। श्रीलंका ने लोन लेते वक्त ये प्रॉपरली प्लान नहीं किया था कि उसे ये पैसे इंटरेस्ट समेत वापस कैसे चुकाने हैं, और यदि वो इसमें नाकामयाब होता है तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। श्रीलंका के इस लैप्स का फायदा उठाते हुए चाइना जैसे देशों ने इस कंट्री को कर्ज में और डुबाने का काम किया। हम्बनटोटा पोर्ट चाइनीज डेट ट्रैप स्ट्रेटजी के अनेक एग्जाम्पल्स में से एक है। आज श्रीलंका को अपने टोटल डेट का 10% केवल चाइना को चुकाना है। खैर, लोन लेने के अलावा श्रीलंका ने और कई गलतियां की। श्रीलंका लोन के पैसों को इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जैसी इनकम जनरेटिंग सोर्सेस पे स्पेंड करने में नाकामयाब रहा। आज भी श्रीलंका में टी, टेक्सटाइल और टूरिज्म ही इनकम जनरेट करने के मेजर सोर्सेस हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि लोन्स को यदि इन सेक्टर्स को मजबूत बनाने के अलावा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाता तो आज श्रीलंकन इकोनॉमी एक बेटर पोजिशन पे होती। उसके अलावा श्रीलंका की पॉलिटिकल लीडरशिप पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने लोन के पैसों को अपने पर्सनल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए मिसयूज़ किया। 2015 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान राजापक्सा फैमिली ने चाइनीज कंपनी से लिए गए लोन्स की मदद से अपने इलेक्शन कैंपेन को फंड किया। क्रिटिक्स का मानना है कि चाइना महिंदा राजापक्सा को इस चुनाव में जीत दिलाना चाहता था, जिससे नई बनने वाली सरकार प्रो चाइना पॉलिसीज को फर्दर पुश करे। इन सारे इश्यूज के बावजूद 2018 तक श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर उसकी इकोनॉमी का एक वाइब्रेंट और कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर बना रहा। 2018 में श्रीलंका ने टूरिज्म से $5.6 बिलियन के रेवेन्यूज अर्न किए। लेकिन 2019 में हुए ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट ने ये कहानी पूरी तरह बदल दी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा इन ब्लास्ट ने टूरिज्म को भी सीवियरली इफेक्ट किया। आने वाले समय में श्रीलंका के टूरिज्म में 20% तक की गिरावट देखी गई।
इसके साथ इन बॉम्बिंग्स ने श्रीलंका में आने वाली FDIs को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। 2018 में $1.6 बिलियन की जगह 2019 में $793 मिलियन और 2020 में केवल $548 मिलियन की FDI श्रीलंका द्वारा रिसीव की गई। इस सारे क्राइसिस को झेल रही श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और दूसरे सभी प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग साबित हुआ। वो गवर्नमेंट जिसे एम्प्लॉयमेंट, सेक्टोरल डेवलपमेंट और दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स की जरूरत थी, उसके टैक्स कलेक्शंस केवल एक साल में 50% से ज्यादा रिड्यूस हुए। श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए ये एक ऐसा क्रिटिकल समय था जब एक ओर उसकी अर्निंग हर गुजरते दिन के साथ रिड्यूस हो रही थी, वहीं पिछले एक दशक में लिए गए कर्ज को चुकाने का समय आ चुका था। 2020 में श्रीलंका को गवर्नमेंट रेवेन्यूज का 72% केवल इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज करना पड़ा और इस क्राइसिस में सेंट्रल बैंक द्वारा ज्यादा कैश प्रिंट करने से करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई, जिसने देश में इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया। लेकिन अब श्रीलंका के सामने एक नया चैलेंज आ चुका था। इस सीवियर क्राइसिस को झेल रही श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए कोरोना वायरस एक ऐसी चुनौती लेकर आया था जिससे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, पूरे पैंडमिक के दौरान न केवल देश को सपोर्ट करने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री सीवियरली हर्ट होती हुई दिखी, बल्कि टी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी लॉकडाउन्स और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण डाउनफॉल देखा गया। इस पूरे क्राइसिस के दौरान कई इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट श्रीलंका को अर्ज करते हुए दिखे कि गवर्नमेंट को श्रीलंकन रुपी की वैल्यू मेंटेन करते हुए इम्पोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। लेकिन श्रीलंका ने कभी सेल्फ सफिशियंट बनने की कोशिश ही नहीं की थी। ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज जो श्रीलंकन सिटीजन्स यूज करते हैं उसे आज भी इम्पोर्ट किया जाता है और इम्पोर्ट्स की पेमेंट डॉलर में होती है। जहां इन क्राइसिस के साथ श्रीलंका की डॉलर अर्निंग रिड्यूस होती चली गई, वहीं इम्पोर्ट्स को कर्ब ना करने के कारण श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व एग्जॉस्ट होते चले गए। इसके अलावा जब इम्पोर्ट्स कर्ब करने की बात को फर्दर पुश किया गया, वहीं गवर्नमेंट ने यूरिया इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की इनिशिएटिव्स अपनाए। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के एब्रप्ट एडॉप्शन ने न केवल इन्फ्लेशन झेल रही इकोनॉमी में क्राइसिस जनरेट की, बल्कि इस स्टेप के कारण श्रीलंका में फूड ग्रेन प्रोडक्शन सीवियरली इफेक्ट होता हुआ दिखा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए यदि आज श्रीलंका के पास इनफ फूड ग्रेन्स होते तो शायद आज वहां की इकोनॉमी इस हाल में नहीं होती। और इस सब के बाद जब मार्च में रशिया यूक्रेन क्राइसिस एस्केलेट हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल, फीड और दूसरी कई कमोडिटीज के बढ़ते हुए प्राइसेस ने श्रीलंकन इकोनॉमी को फिर से हिट किया और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। आज श्रीलंका के पास लगभग $2.31 बिलियन या सिर्फ 17.5 करोड़ रुपीज के फॉरेक्स रिजर्व बचे हुए हैं और उस देश में केवल क्रूड ऑयल और दूसरी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को इंपोर्ट करने का खर्च हर साल 91 करोड़ आता है। इस आंकड़े से हम समझ सकते हैं कि आज भी श्रीलंका पेट्रोलियम, फूड, पेपर, शुगर, लेंटिल्स, मेडिसिंस और कई एसेंशियल आइटम्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, जिसे फाइनेंस करने के लिए उसके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे हैं। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किन कारणों से आज श्रीलंकन इकोनॉमी इस क्राइसिस को झेल रही है। आज उस देश में पेट्रोलियम जैसे नेसेसरी इंपोर्ट्स को भी फंड करने के लिए पर्याप्त डॉलर्स नहीं बचे हैं। ऐसी सिचुएशन में श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया और चाइना समेत वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन से मदद लेती हुई नजर आ रही है। इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और बिम्स्टेक जैसी ग्रुपिंग्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका को केवल इस साल $2.4 बिलियन की हेल्प प्रोवाइड की है। इसके अलावा इंडिया ने पेट्रोल, डीजल, राइस जैसे क्रिटिकल कमोडिटीज में भी श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स एक्सटेंड कर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंश्योर की है। खरे एफर्ट्स के बावजूद ये श्रीलंकन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी उन गलतियों को वो सुधारने के प्रयास करें जिसके कारण आज उनकी जनता ये क्राइसिस फेस कर रही है। इसके अलावा लोगों के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट का रिजाइन ना करना आने वाले समय में नया टर्मोइल जनरेट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ गवर्नमेंट के लिए देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से श्रीलंकन क्राइसिस के कंप्लीट पिक्चर को समझने के बाद आपके अनुसार श्रीलंकन गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस पेसिफाई होती नजर आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल UPSC GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रोल दैट इंडिया कैन प्ले इन रिजॉल्विंग द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। ऑल्सो मेंशन द नीड ऑफ श्रीलंका इन काउंटरिंग चाइनीज एक्सपेंशन इन द इंडियन ओशन।
एंड विद दैट क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।